माय यूट्यूब फैमिली, सुबह का गुड मॉर्निंग। आज हम बनाने जा रहे हैं एक कटोरी गेहूं के आटे से हेल्दी नाश्ता। उसके लिए हमने एक कटोरी आटा ले लिया है, एक कटोरी मटर ले लिया है। इसको हम मिक्सर जार में डाल के हल्का दरदरा पीस लेंगे। मटर को हमने हल्का दरदरा पीस लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे लिया है एक बड़ा स्पून सफ़ेद वाली तिल, हाफ टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च। लाल मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं। ये हम बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हैं, आप मिर्च अपने अनुसार डाल सकते हैं। सफ़ेद वाली तिल यूज करने से नाश्ता क्रिस्पी होता है। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर देंगे। तड़के में डाल देंगे जीरा, सफ़ेद वाली तिल, ये अच्छी तरह से चटक गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। अब हम इसमें डाल देंगे मटर, लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक, बारीक कटी धनिया पत्ती। इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें गेहूं का आटा ऐड कर देंगे। गेहूं का आटा हमको थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। गैस का फ्लेम हम धीमा ही रखेंगे, आटा इसमें और मिक्स कर लेंगे। इसको हम लगातार मिलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको एक बर्तन में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। इसको हम अलग बर्तन में निकाल लिए हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल और ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम मिक्स कर लिए, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। ऐसे ऐसे हम सारी गोलियां बना लेंगे। गोलियां मेरी बनके तैयार है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको डीप ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तेल मेरा गरम हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे, डाल के फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो रहा है, आप देख सकते हैं। गैस का फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे, नहीं तो ये अच्छे से पकेगा नहीं अंदर से। दूसरे साइड भी हम इसको फ्राई कर लेंगे पलट के। दूसरे साइड भी फ्राई हो रहा है, दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। नाश्ता मेरा बनके तैयार है, आप देख सकते हैं। ये आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी हुआ है ये। इसे हम मीठी चटनी के साथ सर्व किए हैं। थैंक यू ऑल।